हेलो एवरीवन, दिस साइड नुमान तमस फ्रॉम इंटरैक्टिव वर्ल्ड। तो जैसा देख सकते हैं, हम लोग का बेनक्यू का पैनल लगा हुआ 75 इंचेस का। ये जो मॉडल हम लोग का है, आरई सीरीज का मॉडल है बेनक्यू का 75 इंचेस। तो आज हम लोग जो करने जा रहे हैं, इसका पूरा कंप्लीट डेमोन्स्ट्रेशन करने जा रहे हैं। एज अ ट्रेनिंग समझ लीजिए, डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो समझ लीजिए, या स्टार्टिंग पर्सन के लिए कैसे कैसे क्या किया जाए, तो वो आज इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नीचे देखिएगा सब्सक्राइब बटन लिखा होगा, उस पर क्लिक करके उसको ग्रे कर दीजिएगा, और बगल में जो है ना बेल आइकन बना होगा, उस पर क्लिक करके ऑल पर जरूर क्लिक कीजिएगा, ताकि जो भी नेक्स्ट मैं वीडियोस अपलोड करो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा देख सकते हैं, ये मेरा जो पैनल है वो मेरा ओपनड है। जैसा देख सकते हैं, ये मेरा वॉलपेपर है, ये जो देख रहे हैं, ये जैसे ही इसको ओपन कीजिए तो ऐसे ही डिस्प्ले आपके सामने में आता है। नीचे में चार ऑप्शन बना रहेगा, उधर बेल आइकन बना रहेगा, इधर में आपका लोकल पब्लिक होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है ना कि मैं धीरे धीरे सारी चीजों को मैं बताता जाऊंगा। तो यहाँ पे पहला जो मेरा ऑप्शन है ना, ये कनेक्टिविटी का ऑप्शन है। कनेक्टिविटी जस्ट लाइक कि क्या है ना, ये साइड में बहुत ज्यादा कनेक्शन दिया हुआ है। जैसे साइड में आप लोग देखिएगा, साइड में देखिएगा, नीचे झुक के देखिएगा, तो बहुत ही ज्यादा ना कनेक्शन इसमें दिया हुआ। जैसे आपका HDMI हो गया, VGA हो गया, USB हो गया, AV इनपुट हो गया, बहुत सारा इनपुट इसमें दिया हुआ है। और इसमें सारे कनेक्शन का मैं बता दूं, HDMI से क्या है ना कि हम लोग इसको TV से भी कनेक्ट कर सकते हैं, इसमें TV भी हम लोग चला सकते हैं, या नहीं तो हम लोग पास CPU है, लैपटॉप है, तो उसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं ना, HDMI के थ्रू उसको कनेक्ट कर सकते हैं। लैपटॉप का डिस्प्ले हम लोग इस पर ला के दिखा सकते हैं। पुराने जमाने के लैपटॉप में क्या है कि VGA रहता था, तो VGA भी कनेक्शन इसमें दिया हुआ है। VGA के थ्रू भी हम लोग पैनल को लैपटॉप या CPU के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और मैकबुक में चले जाए तो मैकबुक में जो है ना डी टाइप का कनेक्शन आता है, तो इसमें जो है उसका भी कनेक्शन दिया हुआ है, हम लोग मैकबुक को भी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आते हैं, ये पहला ऑप्शन हो गया कनेक्शन क्या है, पूरा साइड में देखिएगा तो आपको मिल जाएगा। तो सेकंड में जैसे ही आते हैं, यहाँ पे EZ1 लिखा हुआ है। EZ1 का क्या यूज है ना, इसे जैसे ही देखिए, मैंने इस पर क्लिक करा, इसे मैंने क्लिक करा तो एक देखिए पूरा इंटरफेस ही मेरा चेंज हो गया। ये इंटरफेस जो है मेरा, ये राइटिंग पर्पस के लिए इसको बनाया गया, मतलब इसको समझिए कि राइटिंग सॉफ्टवेयर है, टीचिंग सॉफ्टवेयर इसको समझ लीजिए। यहाँ पे देख लीजिए, ये पूरा डिस्प्ले आ गया। तो मैं इसको क्या करूंगा ना, फर्स्ट पार्ट मैं इसको कवर करूंगा, सेकेंड में मैं इसको कवर करने वाला हूँ, और थर्ड में जो है मैं इसको कवर करने वाला हूँ, ठीक है, ऑल क्लियर। अब आते हैं अपने फर्स्ट पार्ट में। यहाँ पे देख सकते हैं, मैं जो ये पेन का जो ऑप्शन है ना, मेरा उठा हुआ है। उठा हुआ का मतलब क्या है कि मेरा सिलेक्टेड है, सिलेक्टेड है। इस पर जैसे ही मैं वापस से क्लिक करूंगा ना, तो इसका ऑप्शंस मेरे सामने खुल के आता है। इसमें तीन टाइप का मोड दिया हुआ है पेन का, जैसे ये मेरा बेनक्यू का ही पेन है, ये देख रहे हैं। और इधर में जो है ना, मेरा कलर का ऑप्शन दिया हुआ है, और ऊपर मेरा साइज का ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। जैसे मेरा पहला देखिए, मैं किसी को सिलेक्ट करूँ तो ये येलो टाइप में मेरा सेलेक्ट होता है। मैंने इसको पहला सेलेक्ट करा, मैं इसको ले लेता हूँ ग्रीन, कलर ग्रीन कुछ भी ले सकते हैं, आपके ऊपर है, जो कलर लेना हो, साइज लेना हो आप ले सकते हैं। मैंने जैसे कि अभी ग्रीन लिया, साइज को मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया, तो यहाँ पर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। देख सकते हैं इजीली लिखा रहा है, एज यू कैन सी। यहाँ पे जो है ना, अब आते हैं सेकंड पे। तो यहाँ पे बहुत इसको इरेज करने का क्या है कि दो तरीके का इरेजर दिया हुआ। पहला तो नॉर्मल ऐसा कीजिएगा तो मेरा पाल्म इरेजर एक्टिव हो जाता है, ये देख सकते हैं, ऐसा भी इरेज कर सकते हैं, या नहीं तो ये सेकंड में ऑप्शन देख रहे हैं ना, इरेजर का ऑप्शन बना, इस पर क्लिक कीजिए एक, ये देखिए, सॉरी इसको अभी नहीं करते, ये देखिए पहला जो ऑप्शन है मेरा सेलेक्टेड है। इस पर क्या ना कि इसको सेलेक्ट कीजिएगा तो ये इरेज होगा, मतलब राउंड कीजिएगा या उसको घेर दीजिएगा तो वो कंप्लीटली इरेज हो जाता है। मैं लास्ट में आता हूँ ऑल पे लिखा है, इसका मतलब कि पूरा मेरा पेज ही क्लीन हो जाएगा विदाउट अंडू, मतलब कि आप जो पहले पढ़ा लिया अगर इरेज कर दे तो वापस नहीं ला सकते हैं। तो ये देखिए मेरा इरेज हो गया, ठीक है। ये मेरा था पहला पेन, पहला पेन में मैं ब्लू से लिखूं और रेड से लिखूं, ऑरेंज से लिखूं, जिससे भी लिखना है आप लिख सकते हैं। अब आते हैं अपने सेकेंड पेन पे, जो मेरा यह सेकेंड पेन है, ये देखिए मेरा सेकंड पेन है। इस पे जैसे क्लिक करेंगे ना, तो इसका क्या यूज है, ये देखिए पेन का जो स्टाइल देख रहे हो ना आप, नीचे में पॉइंटर होगा, ऊपर में थोड़ा फ्लैट सरफेस होगा, तो ये मेरा पेन जो है 2-in-1 सेंस करता है, 2-in-1 सेंस करेगा। जैसे कि मैं आगे से ले लेता हूँ ब्लू और पीछे से ले लेता हूँ मैं लाइट ग्रीन, ठीक है। अब देखिएगा मैजिक, यहाँ मैं लिखता हूँ, आगे से मैंने जैसे ब्लू लिया था ब्लू लिखा आया, और पीछे से जैसे मैंने ग्रीन लिया था मेरा ग्रीन लिखा रहा है। मतलब कि इससे क्या है ना कि जो बार बार कलर तरह तरह का हम लोग मार्कर रखते थे, तरह तरह के कलर का मार्कर रखते थे, उसको साइड पे फेंक दीजिए। अब आपका एक ही पेन जो है दो तरीके का काम करेगा,
जैसा अभी ये काम कर रहा है, ये देखिए, ठीक है, ऐसा भी इरेज कर सकते हैं, बहुत इजीली इरेज हो जाता है, पूरा फ्लैट ऐसा कीजिए जैसे व्हाइट बोर्ड में इरेज करते हैं आप लोग, क्या कहते हैं, रुमाल से। ये थर्ड पेन का तो उतना यूज नहीं है, तो नॉर्मल पेंटिंग के लिए, मतलब कि जो पेंटिंग करते हैं उसके लिए, हम लोग के लिए इसका यूज नहीं है, ठीक है। आते हैं मैं इरेजर पे, इरेजर मैंने बता दिया, अब आते हैं यहाँ पे बॉक्स टाइप सूटकेस बना है, सूटकेस का अंदर आके क्या छुपा है उसको भी खोल के देखते हैं जरा। ये देखिए सूटकेस को जैसे ही खोलिएगा ना, तो यहाँ पे कुछ 8 तरीके का ऑप्शन बना है, तो मैं पहले पे से शुरू करता हूँ। पहले पे जैसे ही क्लिक करेंगे ना, यहाँ पे दिख रहा है कैलकुलेटर, कैलकुलेटर ये नॉर्मल कैलकुलेटर नहीं है, इसमें थोड़ा एडवांस कैलकुलेटर, जैसे एडवांस कैलकुलेशन भी ये निकाल देता है, जैसे कि आप नॉर्मल हम लोग सॉरी नॉर्मल हम लोग ये करते हैं 3+5 सम दे देगा, लेकिन अब यहाँ पे हम आते हैं पाई का वैल्यू निकालते हैं, तो इसका भी मेरे को वैल्यू दे देगा, सॉरी ये नहीं लिया, 3-1 थोड़ा अच्छे से लिखना पड़ता है तभी सेंस करता है, नहीं तो फिर वो कुछ और ही सेंस कर लेता है। ये देखिए मेरा पाई का भी वैल्यू, मतलब पाई का भी सम निकाल दिया, ये देख सकते हैं √3-1 जो भी है निकाल दिया, ठीक है, मतलब कि अब बार बार होता लंबा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, इजीली हो जाएगा। अब आते हैं मेरा दूसरा क्या है, दूसरे पर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा ना, ये मेरा 2D शेप्स के लिए, कुछ भी 2D मेरे को ड्रॉ करना है, जैसे लाइक मैंने सर्कल ड्रॉ करा, ये देख सकते हैं ये मेरा सर्कल ले लिया ऑटोमेटिकली, मैं इसको एक्सपोर्ट कर दूंगा, ठीक है, तो ये मेरा ले लेगा। अब इसको जूम इन जूम आउट कैसे करना है, 2 फिंगर से मेरा जूम इन जूम आउट होगा, 2 फिंगर, 2 हाथ का ले लीजिए या सिंगल हैंड का ले लीजिए, फिर इसको कहीं पे भी उठा के रख दीजिए, वापिस से फिर करना है, कुछ और शेप लेना है, मैं ट्राइंगल ले लेता हूं, ये ले लिया, फिर एक्सपोर्ट कर लेंगे, अच्छा ले लिया, आ गया था, थोड़ा छोटा था इसलिए पता नहीं चला, हो गया। आते हैं आप तीसरे पे, तीसरा मेरा क्या है, ये जो है मेरा स्टॉपवॉच है, स्टॉपवॉच जैसे कि कुछ भी क्विज करा रहे हैं, कौन स्टूडेंट सबसे पहले आंसर देता है, जैसे भी मैं इसको स्टार्ट कर दूंगा, तो पहला जो सबसे पहले हाथ रेस किया, मतलब कुछ भी इसको आप अपने तरीके से यूज करते हैं, स्टॉपवॉच दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद में आते हैं चौथा जो है मेरा टाइमर है, टाइमर में क्या है ना, जैसे मान लीजिए क्लासरूम में क्विज करा रहे हैं या टेस्ट करा रहे हैं या कुछ भी करा रहे हैं, मान लिया कि मैं यहाँ पे कुछ टाइमर सेट कर लेता हूँ, 9 सेकंड का मैं यहाँ पर टाइमर सेट करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा क्या होगा, 6 सेकंड भी देखिए, जैसे ही टाइम सब होगा तो सुनिएगा, पांच बार ये आपको अलार्म देगा कि हाँ भाई टाइम सब खत्म हो गया, स्टूडेंट को भी संकेत मिल गया हाँ टाइम्स मेरा खत्म हो गया, वार्निंग बेल मेरा बज चुका है, अब इससे बाद में जो भी टाइम 15 मिनट 10 मिनट बचता है वही है मेरे पास में, इसके अलावा मेरे पास में नहीं बचा है। अगर कोई टीचर भी है उनका गलती से नींद लग गया है, थोड़ा उनका ध्यान नहीं है, तो वो भी इनको अलार्म बजा देता है कि हाँ टाइम हो गया है। ये है, इसको अपने हिसाब में अकॉर्डिंगली आप सेट कर सकते हैं, जितना भी सेट करना हो, मैं अभी 9 ही सेकंड का लिया था, ठीक है। उसके बाद में आते हैं सॉरी मैं पेज ले लेता हूँ पहले, ये मैं 5वें ऑप्शन पे आता हूँ। 5वां ऑप्शन क्या है कि जस्ट लाइक कि स्टूडेंट लोग क्लासरूम में बैठे हैं, स्टूडेंट लोग तो पहले ही आ जाते हैं, टीचर थोड़ा लेट से आते हैं, या मान लिया कि क्लास ब्रेक हुआ तो थोड़ा टीचर चले जाते हैं पानी पीने के लिए, फ्रेश होने के लिए, तब तक स्टूडेंट्स बैठे रहते हैं, या दूसरे टीचर का क्लास हुआ तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं ना, कुछ स्टूडेंट्स शायद कुछ दिन के लिए गायब रहते हैं, एबसेंट रहते हैं, या कुछ या टीचर लोगों को नया टॉपिक स्टार्ट करना रहता है, तो स्टूडेंट लोगों का भी पता नहीं रहता है, तो इसको एज अ इंट्रोडक्शन के पर्पज से भी यूज कर सकते हैं। जैसे कुछ भी टॉपिक स्टार्ट करना है, जस्ट लाइक कि आज कोई टीचर स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिगो, नहीं ट्रिगोमेट्री, तो ये क्या होगा ना, सीधे साइड में जाके स्टिक हो जाता है। अगर और भी कुछ है तो यहाँ पे क्या हो सकता है, कुछ भी मैं लिख देता हूँ तो वापस चला जाएगा,
ऐसा कलर भी चेंज करना हो तो ये कलर भी चेंज होता है। ऐसे क्या होगा ना, तो यहाँ पे ऐसा ये सेट रहेगा, तो इससे क्या होगा, स्टूडेंट के दिमाग में हिट करेगा, हाँ नहीं सर आज ये टॉपिक डिस्कस करने वाला है, तो इंट्रोडक्शन क्लास मान लिया कि कुछ भी हो, तो ऐसा स्टूडेंट भी थोड़ा सतर्क हो जाएंगे कि हाँ चलो चलो थोड़ा इस टॉपिक पे पढ़ लेते हैं, कहीं टीचर क्वेश्चन ना पूछ ले या कुछ भी, तो एज अ इंट्रोडक्शन या मान लिया कि टीचर है तो उनको इंट्रोडक्शन क्लास लेना है, पूरा ओवर थ्रू कराना है चैप्टर का, तो ऐसे भी वो टीचर कर सकते हैं कि हाँ ये फिर उसके बाद पेन का यूज करके फिर कर सकते हैं, हाँ ट्रिगो में कुछ ये फिर ऐसा, मतलब कि वैसा आप लोग कर सकते हैं, ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आते हैं फिर नेक्स्ट में, और नाइन यहाँ पे क्या है ना कि ये क्विज के लिए, जैसे क्लास को तीन पार्ट में बांट दिए, पांच पार्ट में बांट दिए, या मैं तीन को ही लेता हूँ, क्विज करा रहे हैं, टीम ए टीम बी टीम सी, क्विज सेक्शन के लिए ये पूरा कंप्लीटली दिया हुआ है। मान लिया कि क्वेश्चन टीम ए से कुछ क्वेश्चन पूछा गया, सही आंसर दे दिए तो ऐसा ऊपर कर दीजिए, एक पॉइंट आ जाएगा ऊपर में, साथ में ताज भी आ जाएगा क्योंकि सबसे हाईएस्ट पॉइंट उसी के पास में, टीम बी के पास तो अभी तक तो जीरो पॉइंट है, इसलिए दे सकते हैं, क्राउन भी सर पे है। टीम बी के पास गए, अगर वो भी जवाब दे दिया तो वापस से ऊपर कर दीजिए, या नेगेटिव मार्किंग है तो ऊपर से नीचे कर दीजिए, माइनस हो जाएगा, या बोनस पॉइंट है टीम वन का तो फिर से ऊपर कर दीजिए, या नेगेटिव मार्किंग है तो माइनस कर दीजिए, या फिर टीम सी के पास जाते हैं, ये वन पे करेंगे ना तो ताज किसी के पास नहीं जाएगा क्योंकि अभी ड्रॉ चल रहा है मैच, जैसे ही किसी को भी बढ़ाइएगा तो वापस से क्राउन इस पे आ जाएगा जिसका ये पॉइंट ज्यादा है। तो ये क्विज के लिए बनाया गया पूरा कंप्लीटली, क्विज सेक्शन इजीली इससे हो जाएगा। अब आते हैं इस पे, ये ड्रॉ क्या है ना, ये कुछ रैंडम नंबर सेलेक्ट करता है, और रैंडम नंबर में जैसे कभी टीचर्स डे किसी के फंक्शन में क्या होता है ना, कि जैसे नहीं होता है कि बाउल में हम लोग कागज में कुछ भी लिख के रख देते हैं, किसी को कुछ भी सफल आएगा तो वो कुछ करते हैं, ये फनी के लिए, जैसे कि किसी भी नंबर जैसे 97 90 से 99 के बीच में कोई भी तीन नंबर, तो ये ऑटोमेटिकली सेलेक्ट करेगा कि हाँ वो पहला नंबर आ गया 99, दूसरा नंबर, ये जो ऑप्शन दिया है ना टोटली फन के लिए दिया है, क्लासरूम में कभी फंक्शन हुआ वगैरह वो सब के लिए दिया है, ठीक है। उसके बाद में आते हैं ये मेरा जो ये लास्ट का ऑप्शन चौथा बना है, इसपे क्या है ना कि मेरा बोर्ड को तीन पार्ट में डिवाइड कर देगा, तीन पार्ट में डिवाइड करने का मतलब कि टीचर्स के लिए भी स्पेशियस ज़्यादा हो जाता है, ऑटोमेटिकली तीन पार्ट को डिवाइड कर देता है कि हाँ तीनों में कुछ भी बता सकते हैं इजीली, या नहीं तो स्टूडेंट्स को भी बोला कि एक बार में तीनों स्टूडेंट्स भी साथ में आके कुछ भी क्वेश्चन का डाउट, मतलब कि क्वेश्चन का भी टीचर करते हैं तो स्टूडेंट्स को बुलाते हैं, तो एक बार में तीन स्टूडेंट भी आके कर सकते हैं, यहाँ वाला बंदा इधर नहीं यूज़ कर सकता है, यहाँ वाला बंदा इधर का यूज़ नहीं कर सकता है, इधर वाला बंदा इधर का यूज़ नहीं कर सकता है, मतलब कि ये बॉर्डर लाइन है, जैसे यहाँ पे अगर कोई भी स्टूडेंट कुछ भी सॉल्व कर रहा है क्वेश्चन, यहाँ पे एक और ऑप्शन है यहाँ पे क्वेश्चन सेट करने का, क्वेश्चन में क्या कुछ भी क्वेश्चन सेट करना है, मेरा क्वेश्चन तीनों में पेस्ट हो गया, जैसे स्टूडेंट को कोई टीचर बुलाते हैं कि हाँ इसका बाबू क्वेश्चन सॉल्व करो वगैरह वगैरह, तो यहाँ पे है ना कि यहाँ पे फिर वो स्टूडेंट अगर सॉल्व कर रहा है तो ये इसका पोर्शन यूज नहीं कर पाएगा, ये यहीं पर रहेगा, तो यहाँ वाला भी बंदा इधर ही रहेगा, इधर ही अपना सॉल्व करेगा, इधर नहीं जाएगा, फिर इधर वाला बंदा इधर सॉल्व करेगा, इधर से इधर नहीं जाएगा, एक बार में जो है ना अगर तीनों स्टूडेंट भी आता है तो कुछ नहीं होगा, ये देखिए एक बार में तीनों स्टूडेंट भी साथ में लिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं होगा, इधर वाला लिख रहा है तो इधर का नहीं फंसेगा, इधर का लिख रहा है तो उधर का नहीं फंसेगा, ठीक है। तो इसके बाद में फिर आप इसको इरेज भी कर सकते हैं पूरा, ऐसे भी कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, डोंट से, ठीक है। उसके बाद में आते हैं इधर, इधर में क्या है लास्ट जो मेरा ऑप्शन है, यहां से हम पहला जो ये ऑप्शन दिखा है ये इमेज का ऑप्शन है,
कोई भी इमेज को आपको यहाँ पे लाके इलस्ट्रेट करना है, एनोटेट करना है, कुछ भी, तो आप यहाँ पे इस पर क्लिक कीजिएगा ना, आपको इंटरनल स्टोरेज में ले जाएगा। HP स्कैन में था ना, ये PDF है, ये A4 शीट में ऐसा ले रहा है। हाँ होगा ना, सब होगा। बस हाँ, अगर PDF इंपोर्ट किए हैं ना तो ऐसा फुल पेज क्लीन नहीं कीजिएगा। हाँ अच्छा, सॉरी, अंडू ही नहीं होगा। HDMI खोलिए ना, फाड़िए ना, फाड़िए फाड़िए फाड़िए। एंड्रॉइड में नहीं कर सकते? हाँ डालिए डालिए डालिए, ऑटोमेटिक ही ले लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये इसको भी लगाइए, इसको भी लगाइए, सिस्टम में लैपटॉप में लगाना पड़ेगा। हाँ दोनों में लगाइए, देखिए बगल में दिया हुआ है ऑप्शन, तब टच काम करेगा सर।